तो आज हम सीखेंगे कंप्यूटर कैसे हम सीखेंगे। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कंप्यूटर वो हम जानते हैं। पहले वैसे कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कंप्यूटर किस चीज़ को बना। कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मशीन है जो मशीन और मशीन के बीच में कंप्यूटर का इंटरफेस कराती है, वर्चुअली कराती है। तो हम कंप्यूटर से इंटरनेट कैसे करेंगे ये आज हम सीखते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर से मिलकर बना होता है जिसमें सीपीयू, प्रिंटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस या और भी हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट हैं जो उसमें आते हैं। पहले दोस्तों हम देखते हैं कि कंप्यूटर के इनपुट हार्डवेयर और आउटपुट हार्डवेयर। कंप्यूटर के इनपुट हार्डवेयर जो होते हैं फ्रेंड्स वो ये हैं कि जितने भी जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, तो होते हैं इनपुट हार्डवेयर। तो इनपुट हार्डवेयर में हम पहले लेते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये होते हैं इनपुट हार्डवेयर। और आउटपुट हार्डवेयर जिससे हम इनपुट देख के जो और जो कंप्यूटर का आउटपुट जो हमने डिजिटल कंप्यूटर से जो चाह रहे हैं वो हमको मिले उसका आउटपुट हार्डवेयर जो होगा वो होगा प्रिंटर, प्रोटर मशीन। तो ये होता है दोस्तों कंप्यूटर का बेसिक चीज़ें। अब कंप्यूटर करता क्या है? कंप्यूटर कुछ नहीं है, सिर्फ मशीन है जो ह्यूमन बींग का काम आसान कर सकती है। और जो ह्यूमन बींग 10 घंटों में काम करना चाहता है वो चुटकी भर में वो काम कर सकती है। तो कंप्यूटर हम बेसिक देखते हैं तो कंप्यूटर के वर्जन कैसे होते हैं। कंप्यूटर की जो जनरेशन है 1965 से आ रही है और वो बढ़ती जा रही है। तो जो जनरेशन की हम बात करें तो ये वीडियो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की। तो जी मेरे पास ये पीसी है मेरा, ये होता है लैपटॉप, ये है फ्रेंड्स लैपटॉप। और डेस्कटॉप जो आप देखे होंगे वो डेस्कटॉप है। और एक होता है सर्वर। सर्वर भी कुछ नहीं दोस्तों, एक मशीन है वो भी कंप्यूटर की ऐसी चीज़ रहती है उसके अंदर एक प्रोसेसर रहता है पर उसका कॉम्प्लिकेशन थोड़ा हाई रहता है। और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर रहते हैं जो विंडोज मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन बनाती है। जो अपन चलाते हैं वो बोलते हैं क्लाइंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सर्वर, दूसरा होता है क्लाइंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेंड जो अपन चलाते हैं वो क्लाइंट कहते हैं और जिससे हम सर्विस लेते हैं उसको बोलते हैं सर्वर। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने सर्वर के बारे में। हम इसके बाद में और वीडियो बनाऊँगा तो आप देख लेना, तो सेशन आगे बढ़ जाएगा। तो आप जुड़िए रहिए इन चैनल साइट को लीजिए तो आपको इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलते रहेगी। वहाँ आते क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम चार पाँच प्रकार के होते हैं। तो पहले हम चलाते हैं विंडोज, बहुत पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में विंडोज कहते हैं विंडोज। सेकंड फ्रेंड जो आता है वो होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल कॉर्पोरेशन बनाती है, जो एप्पल कंपनी है वो बनाती है। तो उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो एप्पल के ही रहते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है फ्रेंड्स लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किसी लाइसेंस एग्रीमेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ती। और जो फ्रेंड्स जो पेड है जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, तो इसमें आपको लाइसेंस एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स जिसे और भी मतलब फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, तो ये और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो इजी वे में जो वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हैंडल करना आसान होता है, वो अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स इसके लिए किसी एक स्पेशल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें जैसे कि विंडोज के जो जैसे वर्जन है विंडो एक्सपी था, जिसमें 512 GB फ्री होना, 40 GB हार्ड डिस्क स्पेस फ्री होना, 20 MB प्रोसेसर हो, इसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा 7 आया तो उसमें 1 GB की मिनिमम रिक्वायरमेंट बात करो तो 1 GB की रैम होगी, 50 GB फ्री स्पेस होना हार्ड डिस्क में, और गॉड गॉड डुअल कोर प्रोसेसर होना, तो कंप्यूटर हमारा अच्छे से इसी वे में फास्ट वे में वर्क करेगा। वैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम आते गए फ्रेंड। तो ये होता है जो करते हैं बात मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एप्पल है जो उसका हार्डवेयर बनाता है उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो उनका जो कॉम्बिनेशन सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो बहुत परफेक्ट होता है जिसका एप्पल का। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब बेस्ट है, और जिससे एप्पल माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस प्रो बुक जो आती है वो बहुत अच्छी रहती है, जिससे कि हम अच्छे से मतलब हैवी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में हम जानते हैं कंप्यूटर के अंदर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअली वो होती क्या है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर में दोस्तों सबसे पहले आता मेन पार्ट होता है सीपीयू, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर होता है फ्रेंड। तो माइक्रो प्रोसेसर कई जनरेशन होती है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो ये होता है कि किस कितने वे में हमने उसको ट्रांजिस्टर फिट किए हैं, एक उसमें नैनोमीटर में, तो कितने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, तो उसकी जनरेशन उसको कहलाती है। तो जैसे आती है दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट है जैसे कंप्यूटर की चिप जिसको कहा जाता है वो है मदरबोर्ड, जिसमें हम डीवीडी राइटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और माइक्रो प्रोसेसर एक्सेट्रा आइटम्स में अटैच करते हैं, एसएसडी
से लेके, तो ये होता है मदरबोर्ड। तो हम कंप्यूटर को कंप्यूटर कैसे करते हैं, ये तो हमारा भी हो गया पार्ट, ठीक है। अब ये हो गया अपना हार्डवेयर, अब तो मैं उसको कंप्यूटर इंटरनेट कह सकता है, उसको हमको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास पहले सी डी होना, या फिर आपके पास बेस्ट है कि आप एक लाइसेंस परचेस करें विंडोज का, जो 7-8 हज़ार रुपये आ जाएगी। अगर फ्रेंड आपका कुछ सीखना चाहते हैं तो गूगल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट भी आजकल आपको फ्री पैकेज दे रहा है कि आप उनको सीखने को आपका एनर्जी कार्ड यूज़ करेगा, लेकिन आपको फ्री में मिल जाएगा। या फिर आप सीख सकते हैं तो आप पायलट वर्जन भी जल्द से सीखने, तो आप जहाँ पैसा आ रहा है वहाँ पर आप उसको यूज ना करें, सिर्फ सीखने के होम पर्पज के लिए पायलट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इलीगल मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, इससे होता क्या है आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आएगी, बार बार आपका पीसी बंद होगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रॉब्लम या पकड़ लेगी। तो आप कृपया पायलटेड वर्जन ना चलाएं। तो विंडोज को ऑपरेटिंग इंस्टॉल करने का तरीका होता है, पहले तो पेन ड्राइव पोर्टेबल बनाएं। पोर्टेबल पेन ड्राइव के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पोर्टेबल पेन ड्राइव बनाते कैसे हैं लैपटॉप से, मैं आपको बना के बताऊंगा। एंड देन फ्रेंड्स पीसी फॉर्मेट के लिए, फ्रेंड अब दूसरी बात आती है कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर हम यूज कर सकते हैं बेसिकली दो, प्रोसेसर कैसा, मदरबोर्ड कैसा, आपको चिपसेट। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि कैसा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं कि हमको जैसे कि छोटी मोटी एडिटिंग करना है, जैसे यूट्यूब पे छोटी छोटी एडिटिंग करता हूँ वीडियो, तो मेरे लिए आई थिंक प्रोसेसर बेस्ट। लेकिन आप थोड़ा हार्डवर्क करना है, हैवी मटेरियल डाल के आप जेबिंग सॉकिंग आई फाइव यूज़ करिए, अगर उससे भी ज़्यादा आपको अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ करिए i7 प्रोसेसर या Xeon प्रोसेसर भी आ गए, तो आप इनको यूज़ करिए। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर लेना चाहता है पीसी की रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा यूट्यूब चलाना है, आपको थोड़ा सा एमएस ऑफिस पावर पॉइंट में चलाना है, तो आप i3 प्रोसेसर लीजिए, ना कि ना जाइए i5 के प्रोसेसर की ओर। कम से कम 4 GB की रैम होना और साथ में 1 TB का हार्ड डिस्क होना एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए। और कंप्यूटर में ब्रांड बता देता हूँ कि कंप्यूटर किसके अच्छे रहते हैं, HP, लेनोवो और डेल के। ये कंप्यूटर बेस्ट है मेरे हिसाब से, थोड़े लो बजट में आना चाहिए। तो आप एसर कर सकते हैं, एसर अच्छी कंपनी है, SCL की अपनी इंडियन कंपनी है, SCL और लेनोवो कर सकते हैं। HP कंप्यूटर ज़्यादा बेस्ट रहते हैं और लेनोवो। और दोस्तों ये कंप्यूटर आप परचेस करने जाएँ तो मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको देखना, तो वीडियो में आपको पता रहेगा कि कंप्यूटर कैसे बात कर सकते हैं, दुकानदार आपको कैसे फायदा उठाता है। तो मैं बताऊँगा जिससे दुकानदार बोलते हैं चिपसेट कौन सा आपका, चिपसेट कौन है मदरबोर्ड, जिस 31 डालेंगे 81 डालेंगे, तो उसके G31 G81 ही होता क्या। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो प्रोसेसर के वर्जन क्या होते हैं, मदरबोर्ड के वर्जन क्या होते हैं, आपका कौन सा बेस्ट है, ये आपके लिए। अगर मैं आपको बताएं मेरी अगर मेरा ओपिनियन है, तो आप पीसी को असेंबल मत करवाइए, आप एक ब्रांडेड पीसी लीजिए जिससे भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि जितना भी जो मटेरियल है जो आजकल ये चल रहा चाइना मार्केट में, उससे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये चाइना मार्केटिंग है वो आगे चल के आपको बहुत नुकसान जाएगा। आप पैसे तो आप पूरे देंगे लेकिन आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगा, कभी मदरबोर्ड आपको शॉर्ट हो सकता है, कभी प्रोसेसर ठीक तरह से वर्क नहीं करता है, कूलिंग सही नहीं होती, तो ये आप थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिए। एंड देन फ्रेंड ये मैं ब्लॉग को आज तक करता हूँ अभी, तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितनी भी आपको कोई क्वेश्चन रहेंगे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मैं आपको ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्यूटर के बारे में बताते रहूँ, कंप्यूटर के बारे में जानकारी देते रहूँगा, न्यू वीडियोज़ और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ भी आऊँगा। तो फ्रेंड ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज दें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।